में गुलबंद पायबंद और ये कंगना जो है पहनते थे, गले में हंसली डालते थे, और ये जो हमेल कहते हैं, ऐसे मेरे ये हमेल है, हमेल पहनते थे। महिला जाति की ये लोग पहनती थी, और घेरदार लहंगा पहन के ही इसका नृत्य होता है। इसमें कोहनी महिलाएं होती हैं, और ढोलक लेके जो है पुरुष पात्र, ढोलक लेके, रमतूला लेके और ढपला लेके इसका नृत्य जो है उन महिलाओं के साथ करते हैं। देश के अलग अलग हिस्सों को अलग पहचान दिलाने में वहाँ के लोक नृत्य काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसी तरह बुंदेलखंड क्षेत्र में नृत्य की विधा के रूप में राई का अपना विशेष महत्व है, और आज भी बुंदेलखंड के लोक जीवन में बेड़नियों के नृत्य का काफी प्रभाव देखने को मिलता है। लक्ष्मी नारायण शर्मा, ईटीवी न्यूज, झांसी। निश्चित ही समय के साथ हर चीज बदलती है। राई नृत्य के स्वरूप और स्वभाव में भी समय के साथ काफी बदलाव हुआ। अब तो राई नृत्य के बदलते स्वरूप को लेकर भी काफी मतभेद देखने को मिलते हैं। इसमें आ रहे बदलावों को जहां कुछ लोग फुहरता करार दे रहे हैं, तो कुछ इसे समय की जरूरत मान रहे हैं। इस परंपरागत राई नृत्य को वैसे तो बेड़नी जाति की महिलाएं करती थी, लेकिन अब लगभग ज्यादातर बेड़नियां इस नृत्य से पलायन कर चुकी हैं। कारण साफ है कि पुराने समय में जहां इन नृत्यांगनाओं को राजकीय संरक्षण मिलता था, वहीं बदलते समय में इन कलाकारों की उपेक्षा होने लगी। हालात इतने खराब हो गए कि रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया। कालांतर में अन्य विधाओं के कलाकारों ने अपने क्षेत्र की इस परंपरागत विधा को बढ़ाने के लिए राई नृत्य प्रारंभ किया। इनके इस विधा में प्रवेश करने से राई के स्वरूप में थोड़ा सा बदलाव आया है। और हमने उसको जो है या जो नई पीढ़ी को हमने प्रशिक्षण दिया है, तो उसमें वो ज़्यादा ज़्यादा 10-15 मिनट, आध घंटे ही कर पाती हैं, कोई भी नहीं कर पाती। जो बड़ा मेहनत का ये नृत्य है, और इसमें चूँकि जैसे एक थाली में राई घूमती है, उसी तरह जो है मंच में बेड़नी राई की तरह घूम के नृत्य करती है। परंपरावादी राई नृत्य के स्वरूप में आ रहे परिवर्तन को नकारात्मक मानते हैं। जहाँ बेड़नियाँ राई नृत्य करते समय अपने शरीर को ढकने के साथ चेहरा छिपाते हुए साहित्यिक काव्य पर गायन करती थीं, वहीं अब इस नृत्य में पाश्चात्य सभ्यता का मिश्रण भी दिखाई देने लगा है। लेकिन परंपरा के पक्षधर इन सब का पूरी तरह विरोध करते हैं। पाश्चात्य शैली का या फिल्मीकरण करके और अर्थ का अनर्थ करके उस कल्चर को तोड़ा मरोड़ा जा रहा, बिगाड़ा जा रहा। लेकिन जो ईश्वरी की फागे हैं, चौकड़िया छंद है जो, या छंदियाऊ फाग है, होता था कि 10-20 गांव के फगवारे एक जगह इकट्ठे होते थे, वे अपना प्रश्न करके फाग गाया करते थे, और जो नर्तकी होती थी बेड़नी, वो उसका जवाब देती थी। इन सब के बावजूद राई नृत्य के कलाकार मानते हैं कि ये नृत्य बेड़नी परिवार से नहीं बल्कि पूरे एक क्षेत्र की विरासत है। वे इसे सीख कर इसे सारी दुनिया में सम्मान और पहचान दिलाना चाहते हैं। ये बात ठीक है कि ये जो बेड़नी जो फैमिली होती थी उनमें प्राचीन समय में ये डांस होता था, पर आई डोंट थिंक कि हम लोग जो न्यू जनरेशन के बच्चे हैं तो हम ऐसा नहीं सोचते हैं कि ये सिर्फ उन्हीं का एक जाति का नृत्य है, क्योंकि इसमें कला है। क्योंकि पुराने समय में ऐसा होता था कि जो घर की औरतें और लड़कियां होती थीं उनको डांस की इजाज़त नहीं मिलती थी, तो इसलिए बेड़िया जो फैमिली होती थी उनसे डांस करवाया जाता था। लेकिन आज नया दौर है, हर कोई कला को सीख रहा और समझ चुके हैं कि डांस जो है कला है, तो इसलिए हमें ऐसा नहीं लगता हम लोगों को कि ये एक बेड़नी फैमिली करती है। परंपरा और परिवर्तन के बीच संघर्ष हमेशा से ही होता रहा है। इन सब के बावजूद बुंदेलखंड की इस प्राचीन लोक कला को जीवित रखने के लिए नई पीढ़ी के इन कलाकारों का प्रयास सराहनीय ही नहीं बल्कि विरासत को नया मुकाम दिलाने का एकजुट प्रयास ही कहा जाएगा। लक्ष्मी नारायण शर्मा, ईटीवी न्यूज, झांसी। तो खास खबर में यहां रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी राई नृत्य बुंदेलखंड की एक अनोखी विरासत, इस पर हमारी चर्चा जारी रहेगी।
We need another 10, 15 years. स्वागत है ब्रेक के बाद। आज हम बात कर रहे हैं बुंदेलखंड की विरासत राय नृत्य की। निश्चित तौर पर इतिहास को अगर देखें तो राय नृत्य का इतिहास काफ़ी लंबा है। प्राचीन कला से बेड़िया जाति के जो लोग थे, जो महिलाएं थीं, वो इस नृत्य को करते हुए आ रही थीं। सबसे बड़ी बात यह है कि आज के समय में, अगर हम आज के समय की बात करें, तो निश्चित तौर पर राय नृत्य के अस्तित्व को लेकर चिंता है कि आखिर क्या इसका अस्तित्व है, और निश्चित तौर पर मतभेद हैं लोगों में, और इसी पर हम बातचीत करते हैं। इतिहासकार इस समय हमारे साथ फोन लाइन पर हैं, हरगोविंद कुशवाहा जी। कुशवाहा जी, ईटीवी में आपका स्वागत है। हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि निश्चित तौर पर परिवर्तन हो चुका है, राजनीति का जो स्वरूप था उसमें बदलाव आ चुका है, तो ऐसे में क्या कहेंगे आप कि जो एक प्राचीन सभ्यता थी, प्राचीन परंपरा थी, और आज इसको लेकर मतभेद है, तरह तरह की बातें सामने आ रही हैं। यूं तो पूरे पाश्चात्य दर्शन ने भारतीय संस्कृति को बिगाड़ने का काम किया है। जी जी। लेकिन बुंदेलखंड जैसे पिछड़े क्षेत्र में जो राय नृत्य कालांतर से चला आ रहा, जी जी, उसमें जो लोग इसको तोड़ मरोड़ करके गड़बड़ करते हैं, वो बड़ा नुकसानदायक है। यहाँ लोग कभी ईश्वरी की फागे महाभारत काल, बुंदेलखंड बहुत प्राचीन है आपको हम बता, जी 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 जी, बुंदेलखंड में सतयुग के टाइम से यहाँ जब समुद्र मंथन हुए तो कालिंजर में शंकर ने विश्व का समन किया। यहाँ दंत बकर ने दतिया में और क्या नाम शिशुपाल ने चलरी में राज किया। यहाँ हिरण कश्यप का राजधानी एरच है। तो पुरातन जब संस्कृति नष्ट होगी तो उससे दुख प्रकट होगा। राय जो है हमारा, वो हमारा प्राण है, हमारे लोगों का कहना चाहिए इस प्रकार से थीम डांस है वो। जी जी। तो थीम डांस को अगर पाश्चात्य नष्ट करेगी, निश्चित तौर पर हमारे लोग को नुकसान होगा। और हम लोग जो पुरातन है उसको संजो के रखना चाहते हैं, हम अपने इतिहास को, अपनी संस्कृति को, अपनी सभ्यता को, अपनी कहना चाहिए विरासत को, उससे तक होगी। जी हरगोविंद जी, ये जानना चाहेंगे कि राय नृत्य, जैसा कि आप कह रहे हैं कि इस समय पाश्चात्य संस्कृति का एक रूप ले चुका है, तो ऐसे में आप इसके लिए जिम्मेदार किसे मानते हैं? जिम्मेदार तो मौजूदा परिवेश में जो लोग, संस्कृति विभाग है प्रदेश सरकार का या पर्यटन विभाग है केंद्र सरकार का, जिनके पास लाखों करोड़ों रुपए का इसके लिए संसाधन है, उनको हम जिम्मेदार मानते हैं कि वो इसको प्रश्रय नहीं देते। अभी 2003 को जो सुप्रसिद्ध नृत्यांगना है श्रीमती चंदा यहाँ की झांसी की, उनको लेकर के मैं कर्नाटक गया था। जी हरगोविंद जी, हम ये जानना चाहें, जी 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 हरगोविंद जी, हम ये जानना चाहेंगे कि राय नृत्य जो है, आप जैसा कि बता रहे हैं लगातार कि ये एक प्राचीन परंपरा रही है, और निश्चित तौर पर राय और बुंदेलखंड का एक नाता बहुत पुराना रहा है, तो ऐसे में हम ये जाएंगे, हमारे दर्शकों के लिए आप ये बताएं कि राय नृत्य जो होता था, इसमें क्या कुछ होता था, महिलाएं कैसे नृत्य करती थी, और इसकी क्या परंपरा है? राय नृत्य जो है एक्चुअली जो यहाँ का भागोत्सव जो होता है होली के टाइम पे खास तौर से, जी जी, तो कई गांव के फगवारे इकट्ठे होकर के, जैसे 40-50 गांव के फागों की टोली इकट्ठी हुई, उनके बीच में वो फगवारे प्रश्न करते थे, वो बेड़नी जो गायिका नृत्यांगना होती थी जी, वो नाच करती थी, उनके प्रश्नों का उत्तर देती थी जी, और एक फरसायत होता था राय नृत्य में जी, और गाहे बगाहे बच्चों के जन्म पे, छठी पर या शादी के अवसर पर या अन्य त्योहारों पर, ये प्रमुख रूप से राय नृत्य यहाँ के रियासतों में यहाँ के अच्छे कहना चाहिए तीज त्योहारों पे किया जाता था। लेकिन अब वो चूंकि कोई उसको आज की मौजूदा परिवेश में वो एक प्रकार से लुप्त होता जा रहा है, तो कुछ लोगों ने ही उसको जिंदा रखा है। बुंदेली लोक संस्कृति को शिखर पर पहुंचाने की तमन्ना जैसे यहाँ की नृत्यांगना चंदा देवी को है जी जी, या वहाँ नरसपुर जनपद में रनगांव, पनियारी, गढ़वा, तीन ही गांव बचे हैं यहाँ बुंदेलखंड में, मंडल में जी जी, यहाँ पे इन लोगों के पूर्ण कलाकार हैं बेड़नी जाति के, लेकिन सरकार की तरफ से उनको कोई प्रश्रय नहीं दिया जा रहा, संरक्षण नहीं दिया जा रहा, उनका कोई मेंटेनेंस नहीं किया जा रहा जी जी, परेशान है। इसलिए अब चाहते हैं आपके माध्यम से बात पहुंचाना चाहते हैं भारत सरकार को, उत्तर प्रदेश सरकार को, मध्य प्रदेश सरकार को, क्योंकि ये क्षेत्र दोनों तरफ है कि वो इस पे मतलब काम करें, कुछ संसाधन जुटाए, कुछ उनके लिए उनके खाना पीना उनका उसको, और कपड़े लगते उनका
वाद्य यंत्रों का और बड़े कार्यक्रम होंगे ताकि वो काले बेलिया की तरह मशहूर हो जाए, स्थापित हो जाए। जी जी हरगोविंद जी, ये जानना चाहेंगे समय के साथ साथ निश्चित तौर पर इस राय नृत्य के जो ये परंपरा है इसमें बदलाव हुआ है, और हरगोविंद जी हमारे पास हर पहलू पर प्रकाश डाल रहे थे, वो इसके इतिहास पर भी बता रहे थे कि निश्चित तौर पर राय नृत्य की जो ये परंपरा प्राचीन है, और वो ये बता रहे थे कि जो आपको बता दें कि बेड़नी जाति की महिलाएँ थीं वो किस तरह से नृत्य को करती थीं। सबसे बड़ी बात एक भी ये भी है कि निश्चित तौर पर अगर कोई इतिहास में कोई परंपरा चली आती है तो उसको आगे बढ़ाया जाता है और उसके लिए निश्चित तौर पर काम किया जाता है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि वीरता से भरी है यहाँ की लोक कलाएँ बुंदेलखंड की, और निश्चित तौर पर बुंदेलखंड की अगर हम बात करें तो एक सबसे बड़ी चीज़ ये भी है कि हमारे जहन में एक चीज़ आती है कि वीरता और पराक्रम, बुंदेलखंड का जब भी कभी नाम सामने आता है तो वीरता और पराक्रम का नाम सामने आता है। और आगे बात करते हैं, पंडित जगदीश शर्मा जी हमारे साथ इस समय फ़ोन लाइन पर जुड़े हुए हैं जो कि एक कलाकार हैं। पंडित जी आपका बहुत बहुत स्वागत है ईटीवी में। जानना ये चाहेंगे कि राय नृत्य निश्चित तौर पर बुंदेलखंड की एक परंपरा है, एक विरासत है, तो ऐसे में इसके आज का जो स्वरूप है इसको आप किस तरह से देखते हैं? सर ये आजकल जो स्वरूप है वो एकदम बिगड़ता जा रहा है। जी जी, और जो वास्तविक रूप है उससे हम लोग हट के जो है सब काम कर रहे हैं। जी जी, तो ऐसे में सर ये है कि जो हम लोग प्रयास कर रहे हैं, जो अपने बच्चियों को प्रशिक्षण दे रहे हैं जी, उसमें ज्यादातर ये ध्यान रख रहे हैं कि हम लोग जो पुरातन है पुरानी संस्कृत से उसके ऊपर ही जो है एक कार्यक्रम आयोजित करें, उसके ऊपर ही बच्चे सारे जान से उन्हीं के अनुसार जो है चले, अपनी परंपरा को न भूलें। पंडित जी क्या माना जाए, क्या माना जाए कि जिस तरह का जो आप बता रहे हैं कि आप भी एक कलाकार हैं, अपना ज्ञान दे रहे हैं आज की युवा पीढ़ी को, वो भी आगे आ रही है, तो आखिर कहाँ कमी है, ज्ञान में कमी है, या जो युवा पीढ़ी है वो उस ज्ञान को नहीं ले पा रही, आखिर इस परंपरा को आगे बढ़ाने में कहाँ कमी आ रही है? ये सर क्योंकि थोड़ा सा हमें सरकार की तरफ से भी अगर कुछ सहयोग मिले जी तो इसको और अच्छा जो है हम लोग स्तर दे सकते हैं। जी जी, और लड़कियों बच्चियों में भी हम इतना जहाँ भी अपने कार्यक्रम रखते हैं त्रिवेंद्रम, मद्रास, बेंगलोर, कलकत्ता, जी जी, वहाँ पे जो अपने राज्य का बिल्कुल वास्तविक स्वरूप जो होता है जी उसी को देने की मैं कोशिश करता हूँ। ये जो मेरी बच्ची डांस कर रही है वो मेरे साथ ही है। जी जी, और मेरे नाम में जो है जेके शर्मा, जुगल किशोर शर्मा है, पंडित जुगल किशोर शर्मा, जेके शर्मा। जी जी जी, पंडित जी हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि एक सबसे बड़ी चीज़ यह है कि राय नृत्य बुंदेलखंड की विरासत है, प्राचीन परंपरा है, हम चाहेंगे हमारे दर्शकों के लिए आप ये बताएं कि राय नृत्य जो प्राचीन समय से चला रहा है, आप एक कलाकार के रूप में ये बात अच्छी तरह से बता सकते हैं कि इस राय नृत्य के दौरान क्या क्या चीज़ें होती हैं, किस तरह से अपने भावों को प्रकट किया जाता है? इसमें सर जो है सबसे पहली बात होती है महिला प्रधान नृत्य है ये, इसमें ढोलक और जो राय नृत्य है जैसे कि थाली में राय बड़ी जोर से घूमती है उसी तरह जो है स्टेज पे जो है स्टेज पे राय कलाकार जिसे कहते हैं बेड़नी जात की जो महिलाएं होती थी पहले वो डांस करती थी जी, उसी को जो है हम लोग भी समेट करते हैं। इसमें कम से कम 12-15 मीटर का जो है लहंगा होता है और पुराने जो प्रधान है उनको पहन के ही पहनती है, एक ओढ़नी लेके जो है ओढ़ती है। और ये नृत्य जब भी कोई बड़े बड़े महोत्सव होते थे प्राचीन काल में तो उनमें जो है ये नृत्य रात रात भर चलता था। जी जी, राजा महाराजाओं के समय या और कोई भी उत्सव होते थे उनमें ज्यादा चलता था। अब जो कि बुंदेलखंड का ये बहुत ही प्रसिद्ध नृत्य है इसको हम जो है अपने शाकुंतलम लोक कला संस्कृति के माध्यम से जेके शर्मा, जुगल किशोर शर्मा जो है जी जी, इसको देश के कोने कोने में संस्कृत विभाग की ओर से, भारत सरकार संस्कृत विभाग की ओर से जो है कार्यक्रम जब मिलते हैं और उसके माध्यम से बड़े बड़े महोत्सव में जाते हैं और अपनी संस्कृत को भी जो है राय नृत्य हो चाहे ढुंगरिया नृत्य हो इसको ही पेश करते हैं अधिकांश। जी जी पंडित जी, हमारे जी पंडित जी, एक सबसे बड़ी बात ये भी है कि अगर इतिहास को देखें तो बेड़नी जाति की जो महिलाएं होती थी वो इस नृत्य को करती थी, अब धीरे धीरे वो महिलाएं पलायन कर चुकी हैं तो युवा पीढ़ी सामने आ रही है, तो ऐसे में वो जो नृत्य था बेड़नी जाति की महिलाओं का और आज का जो नृत्य है उसमें काफ़ी परिवर्तन है, तो ऐसे में अब आज की युवा पीढ़ी का जो नृत्य है, जो अब जो नृत्य राय नृत्य कर रहे हैं, जो युवा कर रहे हैं, ऐसे में उनको उस समय के अनुरूप बनाने के लिए क्या कुछ प्रयास किए जा रहे हैं?
और हम लोग उसको विशेष तौर पे जो जैसे एक स्वरूप उनका बिगाड़ते हैं या बिगड़ा हुआ स्वरूप के साथ उसको ज्यादातर जो है लाइन में लाने के लिए पुरानी मतलब जो है विशेष तौर से उनकी जो अदाएं होती थी उनकी जो नृत्य करने की जो है वो होती थी उसी को हम लोग प्रेरित करते हैं बच्चियों में भी समय की इनके थोड़ा सा विशेष ध्यान रखें इनके जो सूक्ष्म जो है हाव भाव है। जी जी पंडित जी बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो पंडित जगदीश शर्मा बता रहे थे कि एक कलाकार के रूप में वो बता रहे थे कि निश्चित तौर पर किस तरह राय नृत्य एक अनोखी विरासत है, एक प्राचीन परंपरा है और निश्चित तौर पर वहाँ किस तरह से महिलाएं नृत्य करती थी, सवालों के जवाब देती थी। तो निश्चित तौर पर लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आज के समय में एक बात उभर कर निश्चित तौर पर सामने आ रही है कि इसके अस्तित्व को लेकर चिंता है, तरह तरह के मतभेद हैं, तरह तरह की बातें इसको लेकर सामने आ रही हैं। तो खास खबर में यहाँ रुकते हैं एक और छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी हमारी चर्चा जारी रहेगी राय नृत्य पर कि बुंदेलखंड की यह अनोखी विरासत किस तरह से आज है और इसके अस्तित्व को लेकर क्यों चिंता बनी हुई है। स्वागत है ब्रेक के बाद। निश्चित तौर पर लोक नृत्यों में आम जीवन की झलक देखने को मिलती है। एक ओर जहां राय नृत्य के अस्तित्व को लेकर आज के समय में चिंता व्यक्त की जा रही है तो वहीं आपको बता दें कि दूसरी ओर कुछ और लोग भी इसे देश दुनिया में एक नई पहचान दिलाने की कवायद में जुटे हुए हैं। ये बेरनी परिवार से ताल्लुक तो नहीं रखते लेकिन बुंदेलखंड की इस विरासत को बचाए रखना अपनी जिम्मेदारी समझते हैं। झांसी में कई ऐसे कलाकार हैं जो राय नृत्य के बढ़ावा देने के लिए नई पीढ़ी के कलाकारों को प्रशिक्षण दे रहे हैं। आजकल बुंदेलखंड के लोग अपनी सांस्कृतिक विरासत को बचाने के साथ साथ उसे नई पहचान दिलाने में जुटे हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बुंदेलखंड के प्रसिद्ध राय नृत्य की। वैसे तो इस नृत्य का संबंध बुंदेलखंड के बेड़नी परिवार से था लेकिन समय बदलने के साथ भले ही बेड़नियों ने इस नृत्य से दूरी बना ली हो लेकिन नए लोग इसे बचाने की कोशिश में आगे आए हैं। नई पीढ़ी के तमाम कलाकार न केवल इस परंपरागत नृत्य को सीख रहे हैं बल्कि उनकी तमन्ना है इसे नई पहचान दिलाने की। राय नृत्य बांदा, कालिंजर, महोबा, झांसी और भोपाल कई स्टेट है वहाँ पर हम लोगों ने जाकर पूरे ग्रुप के साथ ये राय नृत्य का परफॉर्मेंस दिया है और काफी सराहना हुई। हाँ, इस नृत्य को हम लोग अगर दिखाएंगे, बढ़ाएंगे, सिखाएंगे तो बच्चे देखेंगे, उनको प्रोत्साहन बढ़ता आगे बढ़ने का। यहाँ कई ऐसे राय कलाकार हैं जिन्होंने अपने जीवन का एक लंबा समय इस नृत्य को समर्पित किया है। अन्य पेशों से जुड़े कलाकारों ने भी समय निकालकर इस नृत्य के प्रति अपने उत्तरदायित्व को निभाया। इनकी कोशिश है कि नई पीढ़ी को इस परंपरागत लोक नृत्य के प्रति आकर्षित किया जाए जिससे इसके अस्तित्व पर छाए बादल छंट जाए। संरक्षण के लिए अगर सरकार कुछ संरक्षण देती है और हमें इस नृत्य को जो है अन्य प्रांतों में भेजे तो इसका एक बहुत अच्छा मैं यहाँ के जो न्यू जनरेशन बच्चे हैं जो पश्चिमी संगीत पर नृत्य करना चाहते हैं तो उनको बताना चाहती हूँ कि बुंदेलखंड जो राय नृत्य है यहाँ का फोक मशहूर डांस है जो राजा महाराजाओं के समय से होता आया। जब पहले के राजा महाराजा जो थे जश्न मनाते थे या वो लड़ाई पे जा रहे तो उनका जोश बढ़ाने के लिए राय नृत्य करती थी। कहते हैं कि अगर इच्छा शक्ति हो तो बड़े से बड़ा मुकाम हासिल किया जा सकता है। इसी इच्छा शक्ति के बल पर नई पीढ़ी के कुछ लोग अपनी परंपरागत विरासत को नया मुकाम दिलाने में जुटे हैं। ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि वे इस विरासत को नई पहचान दिला पाते हैं या नहीं। लक्ष्मी नारायण शर्मा, ईटीवी न्यूज, झांसी। राय नृत्य बुंदेलखंड की विरासत है और इसी पर बातचीत करने के लिए इस समय हमारे साथ फोन लाइन पर हैं डॉक्टर हरगोविंद कुशवाहा जी। हरगोविंद जी, जानना ये चाहेंगे कि निश्चित तौर पर बुंदेलखंड की विरासत है राय नृत्य, ऐसे में जो युवा पीढ़ी के बच्चे और
लोग जो है सामने आ रहे हैं इसको सीखने के लिए, उनके लिए क्या कुछ सलाह आप देना चाहेंगे? जो बच्चे नए राय नृत्य सीखना चाहते हैं, राय नृत्य राय गायन सीखना चाहते हैं, उनका बहुत स्वागत है। हम लोग चाहते हैं कि नई पीढ़ी आगे आए, लेकिन उनसे ये निवेदन भी है साथ साथ कि जो हमारी राय के मूल गीत है ईश्वरी के, पद्माकर के, इनका गंगाधर व्यास के, घासीराम व्यास के, उनको गाना चाहिए, उसमें फिल्म का समाहित नहीं होना चाहिए। जी जी। और नई पीढ़ी को डिग्री कॉलेज में, इंटर कॉलेज के लड़के लड़कियों को हम लोग तैयार हैं। जो यहाँ पे दो तीन गांव बचे हैं ललितपुर जिले में पनियारी और रनगांव, और झांसी जिले में गढ़वा, पूरा देवी, श्रीमती चंदा देवी, जो इसकी प्रमुख नृत्यांगना और गायन बची है, जो धरोहर है, उनको उनसे सीखना चाहिए इनको, और काफी इससे प्रसन्न मिलेगा। और ये अगर नृत्य सीख करके और इसको वो देश और विदेश के पटल पर रखें, जैसे राजस्थान का कालबेलिया नृत्य है या तीजन भाई का पांडवानी है, उसी प्रकार से राय मशहूर हो जाएगा। और हम उनका स्वागत करते हैं और उनको पूरी तरह से उनकी मदद करने को तैयार है। और जिन लोगों से आप बात करा रहे हैं उनको तो हम लोग मदद करते ही रहते हैं। जी हरगोविंद जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो हरगोविंद जी भी कह रहे हैं कि निश्चित तौर पर युवा पीढ़ी जो है इसको बचाने के लिए आगे आ रही है। तो लगातार हमारा प्रयास यही था कि दिखाने का इस खास खबर की राय नृत्य बुंदेलखंड की जो विरासत है, निश्चित तौर पर उसको लेकर मतभेद थे, निश्चित तौर पर वैचारिक मतभेद भी थे, कुछ लोग इसको अश्लीलता और पुअरता से जोड़ रहे थे। तो लगातार हम इसको बताने का आपको प्रयास कर रहे थे कि राय नृत्य बुंदेलखंड की एक विरासत है, इसको बचाने के लिए आज की युवा पीढ़ी सामने आ रही है। तो खास खबर में लगातार हमने आपको ये दिखाया कि किस तरह से आज राय नृत्य को लेकर युवा पीढ़ी जो है आगे आ रही है। तो खास खबर में आज बस इतना ही, दीजिए पूरी टीम को इजाजत, नमस्कार।